हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज है 9 अप्रैल। सो 9 अप्रैल के आपके जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस होंगे वो सब इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, प्लस उसका जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन होगा वो भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि आपको पता ही है करंट अफेयर एग्जाम्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा पोर्शन जो करंट अफेयर्स है वो एग्जाम्स में पूछा जाता है, प्लस स्टैटिक जीके वाला जो पोर्शन है वो भी पूछा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, लेक्चर पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आप के साथ आज डिस्कस किए जाएंगे। और ज्यादा नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही में इसके जो बेल आइकन का निशान है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर उनके नोटिफिकेशन उनके अपडेट आपको मिलते रहें। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर्स। और आज का सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किसने 5T प्लान शुरू किया है? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में दिल्ली के जो CM है, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, जिनका नाम है अरविंद केजरीवाल। क्या नाम है? अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने हाल ही में दिल्ली में 5T प्लान शुरू किया। अब ये प्लान क्यों शुरू किया गया ये आपको पता होना चाहिए। तो COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए ये 5T प्लान शुरू किया गया। अब देखिए 5T, इसमें 5 T हैं, इस प्लान में 5 T डिसाइड किए गए हैं, ठीक है, 5 T डिसाइड किए गए जिनका अलग अलग मीनिंग है। जो पहला टी है ना उसका मतलब है टेस्ट, यानी कि कोरोना वायरस का ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किया जा सके जिससे जो संक्रमित लोग हैं वो सामने आए, ठीक है, टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जा सके। दूसरा है ट्रेसिंग, और दूसरा जो टी है उसका मतलब है ट्रेसिंग, और तीसरे टी का मतलब है ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट, ठीक है। अगर टेस्टिंग की जाएगी तो संक्रमित लोगों का पता लग जाएगा, तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, बेहतर ट्रीटमेंट दिया जा सके। उसके बाद जो फोर्थ टी है उसका मतलब है टीम वर्क, हमारे जितने भी स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर, नर्सेस, वो टीम वर्क यानी कि मिलकर काम करें ताकि कोरोना वायरस से संक्रमित जो मरीज हैं उन्हें सही किया जा सके। उसके बाद लास्ट जो फिफ्थ टी है उसका मतलब है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। क्या फुल फॉर्म है? ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग, यानी कि जितने भी क्वारंटाइन लोग हैं जिन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहने के लिए कहा गया है, आइसोलेशन में रहने के लिए कहा गया है, ठीक, उनके ट्रैकिंग की जा सके कि वो लोग क्वारंटाइन में हैं, उनकी लोकेशन क्या है, GPS के थ्रू ये ट्रैकिंग की जा सकेगी, ठीक है। सो ये आपको 5T जो डिसाइड किए गए हैं इस 5T प्लान में CM अरविंद केजरीवाल के द्वारा वो पता होना चाहिए। ये प्लान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा फेमस है आजकल, ठीक है, तो बहुत ज्यादा न्यूज में भी रहा है ये प्लान, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो 5T प्लान है ये क्यों शुरू किया गया है। तो CM जो है दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, इन्होंने कोरोना वायरस का ज्यादा से ज्यादा जांच करने के लिए, इलाज करने के लिए, और जो कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हैं उनकी निगरानी रखने के लिए ये प्लान शुरू किया है। और CM अरविंद केजरीवाल का ये टारगेट है कि दिल्ली में 1 लाख लोगों की टेस्टिंग की जाएगी COVID-19 को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। सो COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस के बारे में आप लोग जानते ही हैं, सबसे पहले चीन के वुहान में पाया गया था। बार बार आपको बता रही हूँ ये बातें इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले चीन के वुहान में पाया गया था इसलिए इसे वुहान वायरस कहा जाता है। अब तक 200 से अधिक कंट्रीज में ये फैल चुका है जिसमें से 11 लाख से अधिक लोग इस कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, ठीक है। 70,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं पूरी दुनिया में इस वायरस के कारण। हमारे भारत में भी 5,500 से अधिक लोग इस वायरस से पीड़ित हैं, ठीक है, जिसमें से 100 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। सो ये आपको पता होना चाहिए, इंडिया का डाटा और पूरी दुनिया का डाटा क्या है, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। और दिल्ली के बारे में जो इंपॉर्टेंट बात थी, CM का नाम अरविंद केजरीवाल, वो मैंने आपको बता ही दिया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने मेगा ऑनलाइन चैलेंज समाधान शुरू किया? तो इन चारों ऑप्शन में से आपका डी ऑप्शन से, हाल ही में MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट यानी कि मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने एक ऑनलाइन मेगा चैलेंज शुरू किया है जिसका नाम है समाधान। अब ये क्यों शुरू किया गया, सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, पूरे इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस ऑनलाइन चैलेंज समाधान में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है, उसमें आप लोग रजिस्ट्रेशन करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कोविड 19 कोरोना वायरस के ऊपर उनके आइडियाज़ लिए जाएंगे, उनसे उनके सुझाव लिए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फ्यूचर में, भविष्य में जितनी भी डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, चुनौतियां वगैरह आती हैं, उनसे रिलेटेड आइडियाज़ लिए जाएंगे और वो अपना सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया।
यहाँ पर आपको हमारे MHRD मिनिस्टर का नाम पता होना चाहिए, हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के मंत्री हैं उनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो उनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। क्या नाम है? रमेश पोखरियाल निशंक। इंपॉर्टेंट आपको नोट करना है, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है, यहाँ पर पूछ लिया जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत को 2.9 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता दी है? तो इन चार ऑप्शन में से आपका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में USAID यानी कि यूनाइटेड स्टेट एजेंसी ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट, क्या फुल फॉर्म है? यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने भारत को COVID-19 यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए उसका मतलब कोरोना वायरस के जितने भी मरीज हैं उन्हें बचाने के लिए ये 2.9 मिलियन डॉलर की फाइनेंशियल हेल्प दी है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पता लग गया ये क्यों दिया गया। अब यहाँ पर USAID इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है, अमेरिका की ये एजेंसी है और इसकी स्थापना USAID की 1961 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये वाशिंगटन में है। कहाँ पर है? वाशिंगटन में। और USAID इनके एडमिनिस्ट्रेटर का नाम इंपॉर्टेंट, तो एडमिनिस्ट्रेटर है मार्क ग्रीन। मार्क ग्रीन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने रक्षा सर्व ऐप विकसित की? तो उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़, ये ऑप्शन आपका सही है। हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये रक्षा सर्व ऐप विकसित की है। अब ये जो एप्लीकेशन है ये क्यों विकसित की गई है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये रक्षा सर्व ऐप इसलिए विकसित की है ताकि छत्तीसगढ़ के अंदर लॉकडाउन के दौरान घरों में जितने भी लोग क्वारंटाइन हैं, अपने घरों में जितने भी लोग क्वारंटाइन हैं उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई। इस एप्लीकेशन की मदद से छत्तीसगढ़ जो पुलिस है उन्हें हेल्प मिलेगी, वो क्वारंटाइन लोगों की जो लोकेशन है उसे ट्रैक कर सकते हैं GPS के थ्रू। ये आपको पता हो गया, ये जो एप्लीकेशन है इसमें गूगल मैप की फैसिलिटी दी गई है, गूगल मैप के थ्रू उनकी लोकेशन ट्रैक की जाएगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन है वो एक बार बता देती हूँ आपको। देखिए, छत्तीसगढ़, इसके कैपिटल है रायपुर। क्या है कैपिटल? रायपुर। और छत्तीसगढ़ के CM जो है उनका नाम है भूपेश बघेल, भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ की जो गवर्नर है उनका नाम है अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके। ये आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ के बारे में स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, और इस एप्लीकेशन का नाम भी याद रखना, इसका काम क्या है वो भी याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने COVID-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की? तो इन चार ऑप्शन में से आपका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में एयरटेल पेमेंट बैंक ने COVID-19 बीमा पॉलिसी लॉन्च की है। ठीक है, और इस पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, इस पॉलिसी को लॉन्च करने के लिए एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, उसके साथ एक समझौता भी किया है। इस समझौते के तहत क्या होगा कि भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जितने भी कस्टमर्स होंगे वो एयरटेल पेमेंट बैंक की जो एप्लीकेशन है उसमें एक सेक्शन है थैंक्स ऐप एक सेक्शन है, वहां पर जाकर ये जो COVID-19 बीमा पॉलिसी है इसे परचेज कर सकते हैं। होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है और जो भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी, दोनों में कोलैप्स हुआ है। So, इससे क्या होगा कि तो भारतीय एक्सा इंश्योरेंस कंपनी के जो जितने भी कस्टमर्स हैं वो एयरटेल पेमेंट बैंक की एप्लीकेशन पर एक ऑप्शन है थैंक्स ऐप, वहां पर जाकर ये जो बीमा पॉलिसी उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको भारतीय एक्सा और एयरटेल पेमेंट बैंक दोनों के बारे में बताना चाहिए। तो एयरटेल पेमेंट बैंक, इसकी स्थापना 2017 में हुई है, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और एयरटेल पेमेंट बैंक के जो MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है अनुव्रता विश्वास। क्या नाम है? अनुव्रता विश्वास, ये आपको पता जी। अब इसके बाद भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के बारे में, तो भारतीय एक्सा की स्थापना 2008 में हुई है, इसका जो हेडक्वार्टर ये मुंबई में है महाराष्ट्र के अंदर, और इनके जो MD और CEO मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उनका नाम है संजीव श्रीनिवासन। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई एयरटेल पेमेंट बैंक प्लस भारतीय एक्सा के बारे में, और COVID-19 के बारे में पहले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया, वहां से आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री ने COVID-19 के कारण कई क्षेत्रों में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू कर दिया? तो उस देश का नाम है जापान, बी ऑप्शन आपका सही है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है शिंजो एब, क्या नाम है? शिंजो एब। इन्होंने क्या किया है कि जापान में कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, इसके लिए इन्होंने अपने देश में इमरजेंसी यानी कि आपातकाल लागू कर दिया है।
आपको बता दूं कि जो इमरजेंसी आपातकाल की जो सिचुएशन है वो तब लागू की जाती है जब उस देश में कोई नेचुरल डिजास्टर या फिर किसी बीमारी की वजह से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाए, तो उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए आपातकाल यानी कि इमरजेंसी लागू किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जापान के प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब ने जापान में आपातकाल यानी कि इमरजेंसी घोषित किया है। यहाँ पर आपको जापान का डाटा बताती हूँ। जापान में अब 5,000 से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित है, जिसमें से 110 से अधिक मौतें हो चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जापान के बारे में बताते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। क्या है कैपिटल? टोक्यो। करेंसी है जापानीज येन। क्या है करेंसी? जापानीज येन। और प्राइम मिनिस्टर का नाम बता दी मैंने, शिंजो एब। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला करंट अफेयर, डोपिंग की वजह से किन देशों के वेटलिफ्टरों पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में बैन लगा दिया गया? तो उस देश का नाम है थाईलैंड और मलेशिया। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक के बारे में बताते हैं। मैंने आपको करंट अफेयर पढ़ाया है इससे पहले वाले लेक्चर में, शायद आप लोगों ने देखा हो, फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो टोक्यो ओलंपिक 2021, ये जो टोक्यो ओलंपिक्स है ना, ये पहले 2020 में ऑर्गेनाइज होने वाला था, बट COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस की वजह से अब इसे पोस्टपोन कर दिया गया। अब ये 2021 में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। कब से कब तक? ये जो गेम्स हैं, ये 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। 24 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक्स को। ये जो दो देश हैं थाईलैंड और मलेशिया, इनके प्लेयर्स पर बैन क्यों लगाया गया? तो 2018 में जब थाईलैंड और मलेशिया के जो प्लेयर्स हैं उनकी डोपिंग टेस्ट किया गया था, तो उसमें बहुत सारे प्लेयर्स जो है इनकी टीम के वो पॉजिटिव पाए गए थे। थाईलैंड के लगभग 9 प्लेयर जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए थे। इसीलिए जो IWF है यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, क्या फुलफॉर्म है? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, इन्होंने थाईलैंड और मलेशिया के जितने भी प्लेयर्स हैं उन पर बैन लगा दिया। वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे 2021 टोक्यो ओलंपिक्स में। यहाँ पर आपको ये पता चाहिए कि थाईलैंड पर ना 3 साल का बैन लगाया गया IWF यानी कि इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, और मलेशिया के ऊपर 1 साल का बैन लगाया गया है। यह भी आपको नोट करना है। और IWF की फुल फॉर्म बता दी मैंने, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। इसकी स्थापना जो है ना, ये 1905 में हुई है IWF की। इसका जो हेडक्वार्टर ये बुडापेस्ट में है। कहाँ पर है? बुडापेस्ट में, हंगरी के अंदर। और प्रेसिडेंट का नाम है थॉमस अजन। क्या नाम है? थॉमस अजन, ये प्रेसिडेंट है IWF के। ठीक है, यहाँ पर मलेशिया और थाईलैंड के बारे में जो स्टैटिक जीके वाला पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक। क्या है कैपिटल? बैंकॉक। और थाईलैंड की करेंसी है बहत इसकी करेंसी है। और प्राइम मिनिस्टर का नाम है प्रयुत चान ओ चा। क्या नाम है? प्रयुत चान ओ चा। ये इंपॉर्टेंट बातें होगी थाईलैंड के बारे में। अब मलेशिया के बारे में, मलेशिया की कैपिटल है क्वालालंपुर। क्या कैपिटल है? क्वालालंपुर। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है मुहिद्दीन यासीन। ये प्राइम मिनिस्टर और करेंसी है रिंगित। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई मलेशिया और थाईलैंड के बारे में, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक्स के बारे में जो बताया वो अलग से करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया, आज फिर से रिपीट कर दिया मैंने, वो भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, CMIE की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत हो गई है? तो CMIE ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसके अकॉर्डिंग 2020 में भारत की जो बेरोजगारी दर है वो बढ़कर 23% हो गई है। डी ऑप्शन आपका सही है। जब पिछले साल यानी कि 2019 में ही रिपोर्ट जारी की गई थी, तब भारत की जो बेरोजगारी दर है, जो एम्प्लॉयमेंट दर है, ये 6.1% थी। बट 2020 में लॉकडाउन के कारण भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो बेरोजगारी दर है, ये बढ़कर 23% हो गई है। आपको पता ही है भारत में 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है, तो इसके दौरान क्या हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं, भारत के लगभग 20% जो लोग हैं उनकी नौकरियां चली गई हैं। सो ये आपको पता नहीं चाहिए कि भारत की जो अनएम्प्लॉयमेंट दर है ये 23% हो गई है बढ़कर। 2019 में 6.1% थी, ये भी डाटा याद रखना है। और CMIE, इसकी फुल फॉर्म पता नहीं, इसकी फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। ये एक एजेंसी है जो कि भारत की इकोनॉमी के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करती है। ठीक है, तो फुल फॉर्म है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। स्थापना इसकी 1976 में हुई है। CMIE इसके जो MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर, उनका नाम है महेश व्यास। क्या नाम है? महेश व्यास। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी CMIE के बारे में।
अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष जिनका नाम है जैक डॉर्सी ने COVID-19 से निपटने के लिए $1 बिलियन का योगदान दिया है? तो जैक डॉर्सी जो है ये ट्विटर, बी ऑप्शन सही है, ट्विटर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इन्होंने हाल ही में COVID-19 से निपटने के लिए अमेरिका का जो राहत फंड है उसमें $1 बिलियन का दान दिया है। अब इस क्वेश्चन में आपको ट्विटर कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ट्विटर, इसकी स्थापना 2006 में हुई है और ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है ना ये कैलिफोर्निया में यूएस के अंदर, और सीईओ का नाम बता दिया मैंने जैक डॉर्सी, ये क्वेश्चन में भी लिखा है, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय प्रधानमंत्री से किस दवा के निर्यात पर रोक हटाने की अपील की है? तो उस दवा का नाम है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ए ऑप्शन सही है। डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने हाल ही में हमारे भारत के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी उनसे बात की है फोन पर, और उन्होंने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा है उसके निर्यात पर यानी कि उसके एक्सपोर्ट पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो हटाने की अपील की है। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, मैंने इससे पहले एक न्यूज आई थी वो बताती हूँ, यहाँ पर न्यूज आई थी कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा है उसके निर्यात पर यानी कि उसके एक्सपोर्ट पर, उसके रिटेल सेल पर, एक्सपोर्ट और रिटेल सेल पर बैन लगा दिया है। ये क्यों किया गया है? क्योंकि ये जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये COVID-19 यानी कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में हेल्पफुल है, ठीक है, इसीलिए बैन लगाया गया ताकि हमारे देश में यानी कि भारत में इस दवा की कमी ना हो सके। बट हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि वो इस प्रतिबंध को हटा लें और अमेरिका को ये जो दवा है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन ये पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर, ये आपको पता ही है। आखिरी क्वेश्चन, किस देश के चिड़ियाघर में मादा बाघ को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया? तो उस देश का नाम है अमेरिका, ए ऑप्शन आपका सही है। अमेरिका के अंदर एक जू है, जू का नाम है ब्रोनॉक्स जू, अमेरिका का जू है। यहाँ पर एक टाइगर को कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया है। सो ये जब न्यूज आई अमेरिका से कि कोरोना वायरस एक पॉजिटिव पाया गया है टाइगर अमेरिका में, तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमारे जितने भी जू हैं, जितने भी जंगल हैं, वहां पर सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये एक अथॉरिटी है, उसको वहां पर अपॉइंट किया है ताकि जितने भी जानवर हैं उनकी निगरानी रखी जा सके, उनकी हेल्थ की देखभाल की जा सके, ठीक है, ताकि जो हमारे एनिमल्स हैं उनको COVID-19 से बचाया जा सके। सो ये आपको इम्पोर्टेंट पता होना चाहिए। और यहाँ पर अमेरिका के बारे में बताते हैं, अमेरिका के कैपिटल है वाशिंगटन, कैपिटल क्या है वाशिंगटन, करेंसी है यूएस डॉलर, क्या है करेंसी यूएस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में, और ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, थैंक यू।